Assalamualaikum, dear students of class 7. Dear students, today we will learn about the last topic of this chapter, that is keeping fit and healthy. Okay, so to be fit and healthy, what should you do? Okay, so to be fit and healthy, you have to do something about it. आपको क्या करना होगा फिट रहने के लिए? कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है? You do not have to be super athlete to go into the gym every day to be fit and healthy. ज़रूरी नहीं है कि आप किसी super gym में जाएं जो है वो fit and healthy रहने के लिए, ठीक है? कुछ simple चीज़ें हैं जो कि आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? जगह कट डाउन ऑन फ्राइड फूड. जो फ्राइड फूड होते हैं, जो तली हुई चीज़ें होते हैं, वो हम ना खाएं. वेजिटेबल्स यूज़ करें हम, ठीक है? और जो है वो यूज़ करें वेजिटेबल ऑयल ही कुकिंग के लिए, ठीक है? एनिमल फैट को हम यूज़ ना करें. ट्राई करें कि हम बॉयल करें या गिल करें इंस्टेड ऑफ फ्राइंग. यानी कि देखें कि हम क्या करते हैं चीज़ों को, आलू वगैरह है उनको, या चिप्स खाते हैं, बहुत सारी भिंडी है उनको फ्राई करके खाते हैं. तो हम उनको फ्राई करने के बजाय, हम अगर हमें फ़िट रहना है तो अगर हम उनको जो है वो बॉयल करके खाएँ, या फिर ग्रिल एक मिलती है उस पर पका के खाएँ, ठीक है? रेड मीट जो होता है, जो गाढ़ा गोश्त होता है, ठीक है, बड़ा गोश्त जो होता है वो कम खाएं, ठीक है? और जो पोल्ट्री एंड फिश होते हैं, ये जो है वो क्या होते हैं, ये अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा फैट नहीं होता. फ़िश में ज़्यादा फैट नहीं होता तो फ़िश खानी चाहिए. फैटी चीज़ें हमें बहुत कम खानी चाहिए, ठीक है? जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गई, ये हमें क्या करने चाहिए, बहुत ही थोड़े से खाने चाहिए, ज़्यादा नहीं खाने चाहिए. ईट मोर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमें फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए और वेजिटेबल्स सब्जियाँ खानी चाहिए. स्मोकिंग से अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है? रिलैक्स रहना चाहिए. स्ट्रेस, जो हम टेंशन लेते हैं, टेंशन वाली सिचुएशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए. एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, तकरीबन 20 मिनट्स तक हमें वॉक करना चाहिए, ठीक है? और जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम जो, जैसे कि हम क्या करते हैं, 15 मिनट बाइक राइड करते हैं ना, मीडियम लिविंग जो है वो वर्क जो हम क्या करते हैं उस पर जिम में करते हैं, ठीक है? आप अगर 20 मिनट्स तक वॉक करेंगे तो वो आपकी सेम ही जो है वो हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो है वो ब्रिस्क जो वॉकिंग मूव्स होती है वो क्या करती है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है? जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है, यानी कि रिलीज़ करता है केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं एंडोफिन्स, ठीक है? यानी कि ये हैप्पीनेस केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में होते हैं. ये क्या करते हैं कि ये जो है वो हेल्प करते हैं हमारी एनेक्सिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है? इंक्रीज़ करते हैं हम जो है वो यानी कि वेल बींग, अच्छे तरीके से हमें फील करवाते हैं, और ये हमें क्या करते हैं, रिलैक्स रहते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी चाहिए, ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज़ यू हैव टू सॉल्व द लास्ट exercise of this chapter, that is suggest why eating less fried food. Okay, ये आपने exercise question number 1, 2, 3 आपने क्या करना है, solve करना है book page number 67 से. Inshallah, in the next lecture we will start chapter number 6. If you have any confusion, you may ask on the WhatsApp group. Okay, thank you dear students. Allah Hafiz.